आज के लेक्चर में हम व्हाट इज एमएलएम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इसका से हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ। जब मार्केट में जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, तो क्या हम जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो कहीं लीगल वे में कहीं लीगल अथॉरिटी से कंसर्न करके हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। हम लोग सिर्फ बस एक प्रोडक्ट ली और डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर ली, दैट इज़ नॉट द वे के आप जो है सक्सेस हासिल कर सकते हैं उसमें, और जो है समझ सकते हैं उस मार्केटिंग को जो कि डिजिटल वे में आप करना चाह रहे हो, जो कि एक नेटवर्क के थ्रू आप करना चाह रहे हो। एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें मल्टीपल लेवल्स शामिल होते हैं, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल लेवल मार्केटिंग है दैट इज कॉल्ड MLM, ठीक है। इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज MLM इन डिजिटल मार्केटिंग, सो यू विल यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर दैट मल्टी लेवल मार्केटिंग इज शॉर्टली कॉल्ड MLM। तो ये कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई डायमेंशनल या पैरामिड स्कीम नहीं है कि जिसको हम कहें कि हाँ ये बस इतना फिक्स हो गया है और यही थ्रू आउट द नेटवर्क और थ्रू आउट द डिजिटल मार्केटिंग चलेगा। यानी कि लास्ट एरा से लेके अभी स्टिल डिजिटल एरा में भी वही चीज़ चल रही है, वही रूल्स चल रहे हैं। नो, ये कोई फिक्स नहीं है। इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू एरा, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग, दे कीप चेंज होते हैं। पर्सन टू पर्सन भी चेंज होते हैं, मार्केट टू मार्केट भी, और चेंज होते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड्स। और जब आप अपनी प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं और एक पर्सनल व्यू भी आपका है कि आपने तक पहुंचाना है और आप बड़े मोटिवेटेड हैं, देन यू विल लीड दीज लेवल्स, आप इन तमाम लेवल्स को सक्सेसफुली लीड कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट हम इसमें फर्दर देख रहे होते हैं बेसिकली किन किन एस्पेक्ट्स को डील कर रहा है और क्या क्या पॉइंट एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हैं, किन किन पॉइंट्स पे जो है हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन कौन से लोगों से हमें कॉन्टैक्ट करना है। यानी नेटवर्क जब आप बनाने जा रहे हैं तो लीगल एस्पेक्ट्स को आप ज़रूर मद्देनजर रखेंगे। ये नहीं हो कि आपने उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर लिया कि जो कि इलीगल अथॉरिटीज से कंसर्न कर रहे हैं, आपने पैसा ऐसी जगह लगा लिया कि जहाँ पे आप नहीं हो सकती जो लीगल अथॉरिटी नहीं रखते। इस सूरत में जो है आप अपना स्टार्टिंग जो बिजनेस का स्टार्ट है वहीं पे लॉस ले सकते हैं, ठीक है, वहीं पे आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपने जहाँ प्रोडक्ट सेल आउट करने जा रहे हैं, जहाँ मार्केट में इन होने जा रहे हैं, वहाँ आपने अच्छी तरह मार्केट को नहीं समझा, वहाँ आपने जितने भी लेवल्स हैं मार्केट के उनको वेल अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। तो उस सूरत में यही होगा कि आप बिना समझे हुए मार्केट में इन हो जाएंगे और वहाँ पे जितने बड़े जॉइंट्स बैठे हुए हैं जो कि ऑलरेडी डीलिंग कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, तो वो लेट डाउन करना चाहेंगे और सक्सेसफुली लेट डाउन कर भी देंगे आपको, क्योंकि आप यू डोंट नो दैट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दैट मार्केट और दैट प्रोडक्ट, ठीक है। लेवल्स वहाँ के कौन कौन से हैं, कौन कौन से लेवल्स पे जो है कौन से एस्पेक्ट अप्लाई हो रहे हैं, यू डोंट नो। प्लस ये कि लीगल और इलीगल की अथॉरिटी उसमें कंफ्यूजन में भी आप पड़ गए हैं, आपने क्लियरेंस नहीं ली, आपको क्लियर अंडरस्टैंड आपको नुकसान हो सके। इसी चीज को हम एक पैरामीटर्स का नाम देते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये हर बार हर उसमें अप्रोक्सीमेट सेम रहते हैं, बट जो है सेशन वाइज और जो है एरा वाइज ही चेंज होते रहते हैं प्रोडक्ट और मार्केट वाइज भी। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान के मार्केट्स देखें तो आपको बहुत क्लियर या और जो भी आपकी मार्केट टू मार्केट है, जैसे कि अगर कोई एक किसी पोस्ट मार्केट में कोई आपके पास शॉप है या कोई ऐसे मार्केट में दूसरी है जो कि पुअर टाइप की सोसाइटी है, तो आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ जाएगा और वहाँ के लोगों में और वहाँ बिजनेस करने में भी डिफरेंस होगा। बिजनेस पार्टनर्स हम बनाने जा रहे हैं, हमें उन्हें भी
गाइडेंस देनी है, हमें उन्हें ट्रेन करना है, और अगर वेल ट्रेंड आपने ऑलरेडी हायर कर दिए हैं तो इट विल बूस्ट योर बिजनेस। के ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस लोगों को ले लिया है, आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है, आपने कर रहे हैं पेमेंट, ऑब्वियसली वो आपको डबल पे करेंगे अपनी। अब क्या है कि अगर आप जानते हैं कि आपने पेमेंट की है, आपने कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता, वही जो इससे बैक स्लाइड पे बात हुई कि लीगल वे में आपने एक्सपेंस किया है या इलीगल में किया है, आपने जिन लोगों को शामिल किया है, आपके पास नेटवर्क्स हैं, मार्केटिंग नेटवर्क्स हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, वो आपके लीगल हैं, तो अगर आपने सही लोगों का इंतखाब करके सही लोगों पे एक्सपेंड किया है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो हायर लेवल पे जाएगी, और अगर आपने सही लोगों का नहीं किया तो वो आपके बिजनेस को लेट डाउन कर सकते हैं। इट्स नॉट द वे कि आप जो है एक मोस्ट पॉपुलर हैं तो आपको सक्सेस होगी, आपकी प्रोडक्ट लोगों ने ज्यादा खरीद ली, और ना ही हम इस पे ये कह सकते हैं कि आपने ज्यादा पैसा एक्सपेंड कर दिया, पैसा लगा दिया, तो आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं इस बिजनेस में। ये किसी एक चीज का नाम नहीं है, ये तमाम जो है डिफरेंट जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो एरियाज हैं, उन सब का नेटवर्क है, उन सब की कंबाइंड म्यूचुअल जो है प्रेजेंटेशन है, म्यूचुअल उनका रिजल्ट है। आप अगर पैसा खर्च करेंगे तो सही लोगों पे खर्च हुआ तो सही रिजल्ट आएगा, आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट वैल्यू मार्केट में अच्छी है, यानी ये सारे एस्पेक्ट मिलके आपको आउटपुट देंगे। हम ये नहीं कह सकते कि बस पैसा खर्च कर लिया तो कामयाबी हो गई बिजनेस में, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग में कामयाबी हो गई, या आपने अच्छा आउटलुक दे दिया आपको कामयाबी हो गई, या आपने लोगों को बस सेलेक्ट कर दिया आपको कामयाबी हो गई, नहीं, हम किसी एक चीज को नहीं कह सकते, म्यूचुअली कंबाइंडली जो है तमाम एस्पेक्ट्स को लेके चलती है। हम इसको आगे जब हम सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं तो मोस्टली पीपल्स की ये राय होती है कि जो है हमने स्ट्रिक्टली जो है इस लिमिट को फॉलो किया, कि हमने इस गोल को फॉलो किया कि हमने ये अचीव करना है, मुझे आज इतने एक्सपेंस में इतने प्रॉफिट लेना है। तो जब आप इस चीज को सोचते हैं कि जैसे मैंने अगर 10% एक्सपेंस किया है इस प्रोडक्ट पे तो मुझे इससे प्लस 5% अचीव करना है, यानी 15% टोटल मुझे अचीव करना है, या प्लस 2% करना। आपने वो मार्जिन जो रखा है दैट इज मार्केटिंग है, एक्चुअल आपकी ई कॉमर्सिंग है, कि जिसके जिसको जानते हुए आप अपने प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, मार्केट को डील कर रहे हैं, कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। तो जब आप वो परसेंटेज और उसमें ये जो कैलकुलेशन है उसको आप कीप इन व्यू रखेंगे और उसको सक्सेसफुली अचीव करेंगे, ठीक है, उसको सक्सेसफुली फॉलो करेंगे, देन जो है यू कैन अज्यूम दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स सक्सेस। आप एक कामयाब बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, आपने जो स्टार्ट लिया है वो स्टार्ट में ही आपने कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर पहला कदम रख दिया। इन सब चीजों को आप माइंड में रखते हुए बिजनेस की तरफ जाएंगे। ये नहीं है कि जिस तरह आजकल हो रहा है, किसी ने भी कोई चैनल बना लिया, किसी ने कोई अकाउंट बना लिया कहीं पे और बस वीडियोस बनाना शुरू हो गए, तो इस तरह नहीं है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, थिंकिंग, पीपल और लिटरेसी, ये सब चीजें मिल के उसे सक्सेसफुल करती हैं। अगर आपके आइडियाज नहीं है, अगर आप कुछ आपके पास इनकम नहीं, स्ट्रेटजीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप वहां पे जाके सक्सेस नहीं हो सकते। अब रियल कॉमर्स का आपको मालूम होगा तो आप जो है समझ सकेंगे कि जो हम डिजिटल कॉमर्स में करने जा रहे होते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में हम करने जा रहे होते हैं, वेदर ये चीज जो है हमारी रियल इकोनॉमी या रियल कॉमर्स पे इफेक्टिव है कि नहीं है। अगर आपने जो है जितना बैंकिंग में हमारे पास कॉमर्स चल रहा होता है, जितना हमारे पास दूसरे बिजनेसेस में कॉमर्स चल रहा होता है, वेदर आपके स्टार्ट बिजनेस में, आपके डिजिटल मार्केटिंग में वो ही बिजनेस चल रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली आपके पास डिवाइस स्टार्ट में अच्छी होगी, आपके पास जो है टूल्स सारे स्ट्रांग होंगे, आपने एक्सपेंस अच्छा किया होगा, तो आपके पास मनी गेम स्ट्रांग है, ठीक है। अगर नहीं आपने किया हुआ तो फिर आपके पास मनी एक्सपेंड करने का कोई फायदा नहीं है। वहां पे एक्सपेंस उसका उतना हुआ है वो चीज परचेज करने में, अब जब वो सेल आउट करेगा तो वो अपना मार्जिन और अपना परसेंटेज उसके अंदर जरूर रखेगा।
अपनी जो भी उसकी एनर्जी एक्सपेंड हुई है, जो भी उनके वहां से परचेज करके लाने में जो टाइम लगा है, उस सबको वो कॉस्ट में लाएगा, मनी में लाएगा और वो कैश करेगा। अगर वो ये चीज नहीं करता तो इट मीन्स कि बिजनेस के रूल्स में एक रूल ये भी है कि उसको अपने एक्सपर्टीज, अपने जो एनर्जी है, अपना टाइम है, उसको कैश करना, उसको मनी में लाना है। अगर वो हैंड टू हैंड नहीं करता, अगर वो ये वन टू अदर हैंड के बीच में जो ये उसके स्टेप्स फॉलो हुए हैं उसको कैश नहीं करता, तो एट द स्टार्ट लेवल से लेके स्टार्ट में तो आज फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि फ्री में दे रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है वो प्रमोशन कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनका प्रॉफिट होता है। तो हम ये नहीं समझे कि ये फ्री में दे रहे हैं तो कस्टमर ये समझ लें कि बस फ्री में हमें ये चीज मिल रही है, देखो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे प्रोडक्ट है, इस तरह। नो, उसमें भी उनकी परसेंटेज होती है, उसमें भी उन्होंने अपने एफर्ट्स और सबके सबका मार्जिन रखा होता है, तब जाके वो अनाउंस कर रहे होते हैं सेल है, ये फ्री में दे रहे हैं, नया ब्रांड खुला है तो इस वजह से आपको दे रहे हैं। तो नॉर्मली जो है हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होती है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि हमने एक्सपेंड कर लिया और बेच दिया, या इन्होंने एक्सटेंड किया फ्री में दे दिया, तो इट डजंट मीन कि इस तरह है। इसके बीच में फर्दर और भी स्टेप्स हैं। अच्छा, ये तो हम लोग पिछली बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मली कंसीडर हो रहा है। अब मॉडर्न डेज के लिहाज से जो हम लोग रूल्स बनाते हैं, ठीक है, जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो चीज हमें सोचनी है, जो मद्देनजर रखनी है, तो उसमें समहाउ तो यही चीजें हैं कि हमने देखना है प्रोडक्ट को, देखना है मार्जिन को, देखना है। इसमें नाउ डेज हमारे पास जिस तरह हम लोग पहले मैन्युअली कर रहे होते थे, अभी हमारे पास ये कि जस्ट आपने कुछ प्रोडक्ट्स ली, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स को लेके आपने जो है न्यू टेक्नोलॉजी पे, जो भी आपके सोशल नेटवर्क्स हैं, जो भी आपके डिजिटल नेटवर्क्स हैं, आपने उस पर बम्बार्ड कर दिया, ठीक है, आपने उस पर दे दिया, और जो है अब इसको देखा जाए तो इस पे आपकी माइनस ही कॉस्ट आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, यहाँ पे आपकी थिंकिंग यूज हो रही है कि आप जो है क्या चीज सोच के और किस तरह के सोशल मीडिया को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह के आप जो है प्रोडक्ट को टारगेट करें, किस तरह के मार्केट वैल्यू को टारगेट करें, अभी आप वो देखते हैं, ठीक है, अभी उन चीजों को पॉइंट में रखते हैं, उन चीजों को देखते हैं, और तब जाके अपनी प्रोडक्ट और अपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जब आप लोग ऑडियंस को टारगेट करने की बात करते हैं, उन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऐसे गिवन तो नहीं होता, लेकिन हम लोग उस प्लेटफॉर्म को देख रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑडियंस मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोडक्ट किसी फीमेल, कोई गोरेपन की क्रीम है फॉर एग्जाम्पल, तो यू विल टारगेट दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वेयर यंग गर्ल्स आर इन लिंक्ड, ठीक है, वहां पे गर्ल्स मौजूद हो, उस नेटवर्क में हो, लिंक्ड हो उस प्रोडक्ट से, या ऐसी हो जिनको इस प्रोडक्ट की यूज करने की इंटेंशन ज्यादा, ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे डार्क कॉम्प्लेक्शन के फेयरनेस वगैरह को, फेयरनेस वगैरह क्रीम्स जो है वो आपकी वहां पे ज्यादा बिक सकेंगी, तो आपने उस तरह का प्लेटफॉर्म टारगेट कर लिया। अब वो नेसेसरी नहीं कि अब आपको फेसबुक के किसी पेज पे भी इस तरह की टारगेट्स मिल सकती हैं, ठीक है, इस तरह की पॉपुलेशन मिल सकती है आपको, किसी भी सोशल नेटवर्क पे मिल सकती है आपको, किसी ऐसे ड्रेस या कोई ऐसी सेल लगी हो कहीं पे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो, तो वहां से भी आपको ये मिल सकता है। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यू कैन नॉट गारंटी कि किसी एक जगह पे हो, बट आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जहाँ उसका ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है उस प्लेटफॉर्म को टारगेट कर सकते हैं।